दंतेवाड़ा में नक्सली हमले से गम में डूबा देश, शहीदों के परिवारों पर टूटा दुख का पहाड़, शहीद के पति की चिता पर लेट गई पत्नी। दंतेवाड़ा में शहीद जवान के अंतिम यात्रा में उमड़ी भीड़, शहीद जवान को दी गई श्रद्धांजलि। जगदलपुर में सेंट्रल जेल से रिहा हुए 13 भाजपाई, सांप्रदायिक दंगों के मामले में हुआ था केस दर्ज। जगदलपुर में सामाजिक भाईचारे को बिगाड़ने वाला शपथ समारोह, विशेष समुदाय को बहिष्कृत करने का लिया गया संकल्प। जगदलपुर में चित्रकूट डंडामी रिसोर्ट में शराब बार का किया गया विरोध, ग्रामवासियों ने एसडीएम को सौंपा ज्ञापन। नमस्कार, मैं हूँ ईशा भार्गव, स्वागत है आपका प्राइम छत्तीसगढ़ में। दंतेवाड़ा में हुई नक्सल घटना से एक बार फिर पूरे देश का दिल दहल गया, जिसमें डीआरजी के 10 जवान और एक वाहन चालक की शहीद हो गए। इसी के बीच एक ऐसा वीडियो सामने आया है जिसने पूरे देश की आंखें नम कर दी है। मामला कासोली का है, जहाँ शहीद पति के लिए सजी चिता पर उनकी पत्नी लेट गई और रोते हुए बोली कि इनसे पहले मुझे जला दो। ये मंजर देखकर वहाँ मौजूद हर किसी की आंखों से आंसू छलक पड़े। वहीं 26 अप्रैल को दंतेवाड़ा में नक्सल हमले में शहीद होने वाले संतोष तामू को कमेली पंचायत के रहने वाले थे, जिनकी अंतिम यात्रा में पूरा गांव उमड़ पड़ा। बता दें कि संतोष 2017 में आरक्षक के पद पर भर्ती हुए थे और अभी कुछ ही महीनों पहले प्रधान आरक्षक के पद पर पदोन्नत हुए थे। संतोष डीआरजी में रहकर कई बार नक्सलियों से लोहा ले चुके हैं। संतोष तामू को उनके प्रेत तक गाँव पर बड़े कमेली में नम आंखों से विदाई दी गई। वहीं जगदलपुर में कमिश्नर श्याम धावड़े ने रबी फसल और खरीफ फसल कार्यक्रम की समीक्षा बैठक की, जिसमें कृषि और सभी विभागों की वित्तीय प्रगति और खरीफ फसल के प्रस्तावित कार्यक्रमों की समीक्षा कर आवश्यक निर्देश दिए गए। उन्होंने केसीसी के लिए संभाग में किए गए कार्य की सराहना करते हुए किसानों का पंजीयन आवश्यक सहयोग के साथ शासकीय योजनाओं से लाभान्वित करने के भी निर्देश दिए। इस अवसर पर संयुक्त संचालक कृषि ध्रुव समेत सभी जिले से उपस्थित कृषि और सभी विभाग के अधिकारी उपस्थित थे। वहीं जगदलपुर में कलेक्टर चंदन कुमार को जिला कार्यालय के प्रेरणा सभा कक्ष में विदाई समारोह में स्मृति चिन्ह देकर सम्मानित किया गया। विदाई समारोह में कलेक्टर ने 10 महीने के अपने कार्यकाल का अनुभव साझा किया, साथ ही अधिकारी कर्मचारियों ने भी उनके साथ अपने अनुभव साझा किए। जगदलपुर में पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। अवैध रूप से गांजे का परिवहन करने वाले तस्कर को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस को मुखबिर से सूचना मिली कि उड़ीसा से जगदलपुर की ओर आ रही यात्री बस में 2 संदिग्ध व्यक्ति बैठे थे, जो अपने पास रखे बैग में अवैध रूप से गांजा परिवहन कर रहे थे, जिसके बाद धनपुत्री फॉरेस्ट नाका में घेराबंदी कर यात्री बस को रोक कर चेक किया गया, जिसमें 2 संदिग्ध व्यक्ति के पास से 10 किलो मादक पदार्थ जब्त किया गया है। वहीं अब आरोपियों के विरुद्ध एनडीपीएस एक्ट के तहत कार्रवाई की जा रही है।
जगदलपुर के बस्तर में मौजूद चित्रकूट वाटरफॉल परिसर में स्थित डंडामी माणिया कॉटेज में बार खोलने की योजना का ग्रामवासी विरोध कर रहे हैं। बता दें कि बीजेपी समस्त कई हिंदू संगठनों ने यहां पर्यटकों को शराब परोसने की योजना पर आपत्ति जताते हुए इसका विरोध किया था। इस संबंध में बस्तर कलेक्टर को भी ज्ञापन सौंपा गया। पूर्व विधायक लच्छूराम कश्यप ने इस पर कहा कि चित्रकूट जल प्रताप एक प्रसिद्ध जल प्रताप रूप में विख्यात है, साथ ही इस क्षेत्र के का ये तीर्थ स्थान है, क्षेत्र के लोगों का आस्था का केंद्र है। ग्रामवासियों की मांग है कि ये प्रस्तावित बार तुरंत निरस्त किया जाए, नहीं तो उग्र आंदोलन किया जाएगा। राज्य सरकार ने राज्य के किसानों को आत्मनिर्भर बनाने के लिए सुराजी गांव योजना की शुरुआत की है, जिसमें गांव की अर्थव्यवस्था को सुधारने और पशुओं को संरक्षण देने के लिए योजना की शुरुआत की गई। योजना के तहत सड़क पर घूमने वाले पशुओं के लिए गौशालाएं बनाई जाएंगी और उनके लिए चारे का भी बंदोबस्त किया जाएगा, लेकिन बढ़ते लंपी वायरस को देखते हुए उसके रोकथाम के लिए इससे संबंधित विभाग बिल्कुल गंभीर नजर नहीं आ रहा और ना ही कोई कार्रवाई की जा रही है, जिसके संबंध में संयुक्त संचालक पशु चिकित्सालय के सामने किसानों ने धरना प्रदर्शन भी किया। सबसे पहले तो मेरा नाम कुणाल चालीसावकर है, हम लोग सनातन क्षेत्रीय मंच से हैं और आपको अभी जैसे देखेंगे कि लगातार लंबी वायरस के केसेस एक साल से आए जा रहे हैं पिछले, इसके पहले भी छह सात महीना पहले हमने एक ज्ञापन दिया था प्रशासन को कि इसको इसकी रोकथाम के लिए पर्याप्त व्यवस्था की जाए, लेकिन अभी कुछ 27 दिनों में मतलब पिछले 27 दिनों में करीब 117 गायों के ऊपर लंबी वायरस प्रभावी हुआ है और उनसे बात करने पे या पशु विभाग से बात करने पे उन्होंने बताया कि भाई हम वैक्सीनेशन उसका कर रहे हैं, लेकिन वैक्सीनेशन हमने जहाँ पता किया जैसे जो क्वारंटाइन सेंटर है या जो गाँव है जो वैक्सीनेशन हो रहा है उसमें पूरी तरह से बस्तर के नारायणपुर जिले में 4 महीने पहले 2 समुदायों के बीच विवाद के चलते भाजपाइयों को जेल हुई थी। वहीं अब इस मामले में हाईकोर्ट से सुनवाई के बाद भाजपाइयों को जमानत मिल गई है और लोअर कोर्ट में प्रक्रिया पूरी होने के बाद जगदलपुर सेंट्रल जेल से उन्हें छोड़ दिया गया है। बता दें कि इस मामले में 2 समुदायों के बीच हुए सांप्रदायिक दंगे में 5 अलग अलग मामलों में भाजपाई ग्रामीणों के खिलाफ केस दर्ज किए गए थे। साथी जो आज हम लोग 13 लोग यहाँ से रिहा हो रहे हैं, हम लोग ऊपर में जो विदेशी आक्रांताओं का जो कुरचर है जो हमारे आदिवासी समाज को छिन्न भिन्न करने के लिए यहाँ जो बस्तर में कुरचित कर रहे हैं उस धारा के अंतर्गत फर्जी हम लोग को फंसाया गया है। आज उसका 4 महीना हम रंज जेल के हम जेल से आज बाहर हो रहे हैं। आज हमारा एक ही है उद्देश्य, अब हम गाँव में जाके हमारे समाज की हमारी जाति धर्म की रक्षा करने के लिए हम आगे काम करेंगे और लोगों को जागरूक करेंगे। हाँ, राजनीति तो पूरा राजनीतिक हुआ है क्योंकि हमारे सामने जितने भी ग्रामीणों को उठाया गया था क्योंकि वहां जो रैली हुई थी उस रैली में तो हमारे लोग नहीं गए थे, लेकिन वहीं अगली खबर जगदलपुर से है जहां बस्तर में सामाजिक भाईचारे को बिगाड़ने वाला शपथ समारोह देखने को मिला, जिसमें नगर के कुछ लोग सड़क पर उतर गए और कुछ विशेष समुदायों का आर्थिक बहिष्कार करने का संकल्प लिया। वहीं शपथ दिलाने वाले मुकेश चांडक ने संकल्प दिलवाया कि विशेष समुदाय के लोगों से किसी भी प्रकार का कोई भी सामान खरीदना और बिक्री करना नहीं किया जाएगा। वहीं इस शपथ समारोह के विरुद्ध छत्तीसगढ़ क्रिश्चियन फोरम के अध्यक्ष अरुण पन्नालाल ने कोतवाली में ज्ञापन देकर शिकायत की है कि ऐसा कृत्य समाज को बांटने और देश में विभाजन लाएगा। उन्होंने जातिवाद फैलाने के दोषियों पर कार्रवाई करने की मांग करते हुए संवैधानिक अधिकारों की सुरक्षा की भी मांग की है। कार्रवाई, FIR, पुलिस सब होना चाहिए। क्या मांग करते हैं? हमारी मांग है कि उनको जितनों ने शपथ ली है उनके ऊपर FIR हो और आपराधिक धाराएं लगाकर उसकी खोजबीन की जाए और जो देशद्रोह के धाराएं हैं वो उस पर लगनी चाहिए। सेडिशन 124 आता है जिसमें समाज को और देश को बांटने के लिए वो अपराध है, तो वो अपराध हुआ है उसमें हम कार्रवाई चाहते हैं। आपको लगता है जानबूझकर ये माहौल खराब करते? नहीं, इसके बारे में मुझे कुछ नहीं मालूम। जो कि कई समयों से शांति का टापू माना जाता है, सभी धर्म के लोग आपस में समन्वय बनाकर एक दूसरे से भाई भाई के रूप में विभिन्न पर्व त्योहारों में सम्मिलित होते हैं और बड़ा ही अच्छा माहौल है था, माहौल आज भी है। मैं खुद सर्वधर्म समाज जो कि 64 समाजों का
उपाध्यक्ष था, हर एक के पर्व त्योहारों तीज त्योहारों में हम लोग उनके साथ मिलजुल कर त्यौहार मनाते थे। शहर के विभिन्न पार्टियों के लोग जगदलपुर के अंतर्गत विभिन्न चर्चों में जाकर, जो एक आदिवासी इलाका शांत इलाका जहां हम सब मिलजुल कर रहते हैं, और वहां पे ऐसी घटना आज तक नहीं हुई है। ये अच्छी बात नहीं है कि आर्थिक बहिष्कार किसी समाज का, सभी समाज के लोग यहाँ आदिवासी भाइयों की सेवा कर रहे हैं, और मैं जहाँ तक मानता हूँ कि यह मिलजुल कर रह के आज हम अपने मुल्क की तरक्की कर रहे हैं। लेकिन यह पूर्ण नियोजित घटना थी, भले बैनर उसमें आरएसएस का रहा हो उस बंद को लेकर के, लेकिन उस बंद के दौरान जिस तरह की से दो समाज को लेकर के, मुस्लिम समाज और क्रिश्चन समाज को लेकर के जो प्रतिज्ञा ली गई आर्थिक बहिष्कार की, वो काफी नहीं। वही जगदलपुर में शहर में 3 वार्डों के वासी मरे हुए जानवर की बदबू से परेशान हैं, जिसके चलते वार्ड वासियों का जीना मुहाल हो गया है। पूरा मामला वीर सावरकर वार्ड, भगत सिंह वार्ड और सिविल लाइन वार्ड का है। इन तीनों वार्ड के लोग इन दिनों मरे हुए जानवर की बदबू से परेशान चल रहे हैं। वार्ड वासियों ने इसकी शिकायत निगम कमिश्नर को भी की थी, लेकिन अब तक वार्ड वासियों की किसी ने नहीं सुनी। वही अब वार्ड वासियों का गुस्सा फूटा और सड़क पर उतर आए हैं। सावरकर वार्ड और भगत सिंह वार्ड, क्या समस्या? दोनों वार्ड में बदबू आ रहा है। क्या हुआ है पहले बताओ? सुअर पाली है, लेकिन ना सारा मोहल्ला में सुअर मना के कहीं पर भी लेटरिन कर दे रहे हैं, और ऊपर से ना 2 सुअर यहाँ मरा हुआ है, उसमें इतना गंद आ रहा है, इतना बदबू आ रहा है। बताइए क्या समस्या है? वार्ड में वीर सावरकर वार्ड है, इस मोहल्ला वासी बहुत परेशान है। एक अज्ञात महिला है, वो सुअर पाल के कुछ दिनों से, बहुत दिन से सुअर पालन कर रही है, सुअर को बेच के अपना खा रही है, लेकिन जिस दिन से सुअर का मौत हुआ है, वो लेडीज ने सुअर को ना, उसको हम लोग जाके सूचना भी दी है उसके घर में कई बार। अगली खबर जसपुर से है, जहां जिला पंचायत सदस्य और संत गहिरा गुरु के बेटे के साथ एसडीओपी और 2 आरक्षक ने मारपीट की, जिसके बाद कंवर समाज और गहिरा गुरु के अनुयायियों ने पुलिस महानिरीक्षक के नाम सरगुजा पुलिस अधीक्षक को ज्ञापन सौंपा और संबंधित अधिकारियों और आरक्षकों को बर्खास्त करने की मांग की है, जिसको लेकर सरगुजा पुलिस अधीक्षक ने आवेदन देकर आगे की कार्रवाई के लिए तत्काल पुलिस महानिरीक्षक कार्यालय में भेजने की बात कही। वही दूसरी ओर समाज के लोगों और संत गहिरा गुरु के अनुयायियों ने कार्रवाई नहीं होने पर अग्र आंदोलन की भी चेतावनी दी है। साथ में पुलिस ने जो बर्बरतापूर्ण कार्रवाई की है, उनको मारपीट किया उनके साथ में, और जो वहां के बगीचा के डीएसपी हैं मिस्टर ठाकुर और उनके गार्ड और उनके साथ में जो पुलिस के लोग थे, उन्होंने जो मारपीट किया है और उनको गाड़ी में घसीटते हुए डाल दिया, उस बात को लेकर के काफी द्रवित हैं। जिस संत समाज ने पूरे सरगुजा संभाग से लेकर के रायगढ़ जिले तक को एक नया उद्देश्य दे करके संत समाज को खड़ा करने का काम किया, पूरे गांव-गांव में जो हमारे आदिवासी समाज के लोग हैं, अन्य समाज के लोग हैं, उनको वो शराबमत्ती से, मदिरा पान से छुड़ाने का काम किया है, जो पूरे सादगीपूर्ण जीवन पूरा 20 किलोमीटर मारते मारते बगीचा थाना अपने ऑफिस ले आए हैं, तो ये बहुत बड़ा निंदनीय घटना है हमारे आदिवासी समाज के लिए। ऐसा नहीं होना चाहिए। वो तो उतने बड़े समाज के हैं, उतने बड़े घर परिवार से हैं, ऊँचे अहदा के हैं, और हम लोग आम जनता के साथ फिर कैसा व्यवहार करेंगे, यही हम लोग को चिंता सता रही है। और हम यहाँ पर आके इसी के विरोध में विज्ञापन सौंपे हैं, और हमको उचित कार्रवाई के लिए महाराज संत गहरा गुरु समाज के अंबिकापुर शहर एवं ग्रामीण इलाकों के जो फॉलोअर्स हैं, वो आज SP ऑफिस में ज्ञापन देने के लिए आए थे, और संबंधित अधिकारियों पर कार्रवाई के लिए ज्ञापन था, और उसको जो है अग्रिम कार्रवाई के लिए माननीय IG ऑफिस भेजा जा रहा है। सारंगर बिलाईगढ़ के ग्राम मिर्चदा में अजीबोगरीब मामला सामने आया है, जिसमें चोरी के आरोपियों को पकड़ने गई पुलिस अचानक चोरों को छोड़ जुआ खेलते युवकों को पकड़ने में लग गई, जिसके बाद पुलिस को देखकर डरे युवकों ने नदी में छलांग लगा दी, जिससे एक युवक की मौत हो गई, जिसमें से एक व्यक्ति को पुलिस ने नदी से निकाला और 2 व्यक्ति नदी के उस पार निकल भागे और एक व्यक्ति की मौत हो गई है। वहीं पुलिस अधिकारियों का कहना है कि मामले की जांच की जा रही है, जो भी तत्व सामने आएंगे
उनके आधार पर कार्रवाई की जाएगी। खाद्य मंत्री अमरजीत भगत सरगुजा दौरे पर पहुंचे, जहां उन्होंने नक्सली हमले में 10 जवान शहीद वाहन चालक की मौत को लेकर दुख व्यक्त किया और कहा कि नक्सलियों ने खौफ पैदा करने के इस तरह की घटनाओं को अंजाम देने की कोशिश की जा रही है, जिसकी मैं निंदा करता हूं। साथ ही हमारे जवान हर मोर्चे पर डटकर नक्सलियों से मुकाबला कर रहे हैं, यही वजह है कि नक्सलियों का खात्मा आने वाले समय में देखने को मिलेगा। वहीं प्रदेश सरकार भी नक्सलियों को खदेड़ने का प्रयास कर रही है। पीडीएस में जो शॉर्टेज आया था उसमें अंबिकापुर नगर निगम में कुछ कितना लोगों के खिलाफ FIR है? ठीक, 12 लोगों के खिलाफ। चलो ठीक है, इसको करो। थोड़ा सीधा बैठ गया, बस ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। पीडीएस में जो शॉर्टेज आया था। वहीं बस्तर में नक्सली लगातार वारदातों को अंजाम दे रहे हैं। ताजा मामला, नक्सलियों ने बारसूर पल्ली मार्ग पर हर्रा कोरेड़ गांव में लगे जियो टावर में आगजनी की घटना को अंजाम दिया। बता दें कि आबजमाड़ के इस क्षेत्र में अभी हाल ही में नेटवर्क की सुविधा शुरू हुई थी, नक्सलियों ने उसी टावर में अब आग लगा दी है। अगली खबर अंबिकापुर से है, जहां एक सूत्री मांग को लेकर पिछले 42 दिनों से प्रदेश में सचिव संघ धरना पर बैठे हुए हैं, लेकिन अब तक उनकी मांगों पर कोई विचार विमर्श नहीं किया गया है। वहीं जिले के सभी विकास खंडों में पंचायत सचिव शासकीयकरण की मांग को लेकर आंदोलन कर रही है, तो वहीं 2 दिनों से सचिव संघ ने क्रमिक भूख हड़ताल भी शुरू कर दी है। संघ के पदाधिकारी कर्मचारियों की मांग को लेकर डटे हुए हैं। एक ओर सचिव धरने पर बैठे हैं, तो वहीं पंचायत सहित कई विभागों के काम ठप हो गए हैं। सरकार की कई ऐसी योजनाएं हैं जो आज पंचायतों में चल रही है, लेकिन सचिव संघ के हड़ताल पर बैठे रहने के साथ सभी ग्रामीणों की समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। वहीं विकास कार्य भी रुक गए हैं। जी अपना नाम बता दीजिएगा। मेरा नाम विकास कुमारी है। ये बताइएगा कि क्या आपकी मुख्य मांग है और आज कितने दिन हो गए आप लोग को बैठे हुए? हम लोग का एक ही मांग है, शासकीयकरण, और 42 दिन हो गए हैं। और अब क्रमिक भूख हड़ताल शुरू कर दिया गया है क्या? जी, 24 तारीख से भूख हड़ताल किया गया है। तो आप लोग सरकार तक अपनी बात पहुंचाने के लिए और कोई रास्ता निकाल रहे हैं क्या, कि भूख हड़ताल पर है क्या कुछ? जी अपना परिचय बताइएगा। मेरा नाम सोहन राम यादव है, मैं ग्राम पंचायत कुबेरपुर का सचिव हूँ। हम लोग विगत 16 मार्च से लगातार हड़ताल में बैठे हुए हैं। आज तक प्रशासन शासन द्वारा किसी प्रकार का कोई सुध नहीं लिया जा रहा है, इसका बहुत बड़ा दुख है। घनत्व तो कम है, लेकिन भीड़ कम है, लेकिन घनत्व तो ज़्यादा है। गोबर गोठान का काम का ड्रीम प्रोजेक्ट को करते हैं, यदि सरकार काम पूरा नहीं करता है सचिव का, तो हम सरकार। जगदलपुर में किसान मजदूर कल्याण महासभा के प्रतिनिधि मंडल द्वारा जिला कलेक्टर महोदया को एक ज्ञापन सौंपा गया और ये मांग की गई कि विश्व मजदूर दिवस के अवसर पर नगर पालिका निगम जगदलपुर के सभी सफाई कर्मचारियों को एक दिवसीय अवकाश दिया जाए। साथ ही एक ज्ञापन बस्तर चैम्बर ऑफ कॉमर्स जिला बस्तर को देते हुए ये निवेदन किया गया कि चैम्बर से जुड़े जितने भी प्रतिष्ठान, फैक्ट्री, कारखाने हैं, कार्यकृत श्रमिकों को मजदूर दिवस के दिन छुट्टी दिलवाने का निर्देश दिया जाए। जगदलपुर में 10 करोड़ से अधिक की राशि नगर निगम को निर्माण कार्यों के लिए दी गई है। वहीं निगम पदाधिकारी और पार्षद निर्माण कार्यों की स्वीकृति के लिए आभार जताने विधायक रेखचंद के कार्यालय पहुंचे। बता दें कि नगर निगम जगदलपुर के 113 कार्यों के लिए 10 करोड़ से अधिक की राशि की मंजूरी दी गई है। इस राशि से वार्डो में CC सड़क, नाली जैसे निर्माण किए जाएंगे।
वहीं अगली खबर सूरजपुर से है, जहां बेरोजगारी भत्ते को लेकर भाजपा के युवा मोर्चा ने आज बड़ी संख्या में कलेक्ट्रेट परिसर का घेराव किया और गेट पर ताला लगा दिया। इस दौरान पुलिस और कार्यकर्ताओं के बीच छीनाझपटी भी हुई, जिसमें कई कार्यकर्ताओं को चोटें भी आई हैं। वहीं भाजयुमो ने सरकार पर दमन करने के साथ पुलिस के द्वारा लाठीचार्ज करने का भी आरोप लगाया है। बता दें कि प्रदेश की भूपेश सरकार ने बेरोजगारों को 2500 रुपये बेरोजगारी भत्ता देने की घोषणा की थी, जिसके लिए सरकार द्वारा कई नियम और शर्त भी लागू किए गए हैं, जिसके बाद एसडीएम को ज्ञापन सौंपते हुए बेरोजगारी भत्ते के लिए लगाए गए नियम और शर्तों को हटाते हुए सभी बेरोजगारों को भत्ते देने की मांग की गई है। जो गेट पे है, हम लोगों ने उनको प्रयास किया है ताला लगाने से रोकने के लिए, पूरी तरह सफल नहीं हो पाए अपने प्रयोजन में। कुछ लोगों ने ताला मारने की कोशिश की, अंदर तक गेट तक पहुंचाए थे, ऐसे लोगों के ऊपर क्या कुछ कार्रवाई भी प्रशासन करने की तैयारी में रहेगा क्या? देखिए, पूरी तरह से नियम विरुद्ध है, शांतिपूर्वक पूरा प्रदर्शन होता तो कोई बात नहीं थी, परंतु इन लोगों ने बैरिकेड तोड़ के जिस तरह से गेट के अंदर घुस के फिर इन लोगों ने है, और निश्चित रूप से जलेबी के जैसे गोल गोल, जब हमने छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री का घेराव किया 1,50,000 लोगों के साथ, निश्चित रूप से उसके बाद इनकी नींद जगी और बेरोजगार युवा भाई बहनों को भत्ता देने के लिए केवल घोषणा करते हैं, और अभी इतनी विसंगति है उसमें कि प्रदेश में 15-16 लाख बेरोजगारी युवा भाई बहन पंजीकृत बेरोजगार होंगे, जिसमें से 15-20,000-30,000 लोगों को रोजगार देने की बात दूर, केवल भत्ता देने की बात कहते हैं, जबकि हमारा प्रश्न इनसे ये है कि 4.5 साल में एक एक युवा का लाखों लाख रुपए का जो भत्ता पेंडिंग है। भूपेश बघेल, जगदलपुर में मैना मित्र प्रहाड़ी मैना के संरक्षण और संवर्धन के लिए लगातार काम कर रही है। वही कैंपा योजना के तहत संचालित मैना संरक्षण और संवर्धन प्रोजेक्ट मैना के संरक्षण के लिए कारगर साबित हुई। प्रोजेक्ट में मैना मित्रों ने कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान से लाए गए 30 स्कूलों में जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया गया और हर शनिवार और रविवार को स्कूली बच्चों को पक्षी दर्शन के लिए ले जाया गया। वही अभी नेस्टिंग सीजन में पहाड़ी मैना के कई नए घोंसले देखने को मिले, जिसमें इस समय पहाड़ी मैना अपने बच्चों को फल और कीड़े खिलाते हुए देखी जा रही है, जिनकी निगरानी मैना मित्रों और फील्ड स्टाफ द्वारा की जा रही है। भाजपा प्रदेश प्रभारी ओपी माथुर का बस्तर दौरे पर है। वहीं प्रदेश प्रभारी ओम प्रकाश माथुर का भाजपा कार्यकर्ताओं ने जोश और उत्साह से स्वागत किया। साथ ही ओम प्रकाश माथुर ने प्रेसवार्ता में 12 सीटें जीतने का दावा भी किया। बाद में प्रदेश प्रभारी ने दंतेवाड़ा के नक्सली हमले में शहीद हुए 11 जवानों को श्रद्धांजलि भी दी, जिस पर पलटवार करते हुए इंद्रावती विकास प्राधिकरण के उपाध्यक्ष और कांग्रेस जिला अध्यक्ष राजीव शर्मा ने कहा कि 12 सीटें जीतने के लिए ग्राउंड जीरो पर कार्य करना पड़ता है, लोगों की समस्याओं से रूबरू होकर उनका समाधान करना पड़ता है, जो भाजपा का करना नहीं आता। छत्तीसगढ़ में भारतीय जनता पार्टी का चाल चलित और चेहरा उजागर हो चुका है। पूर्व में भी इनके द्वारा, जब इनकी पूर्ववर्ती सरकार थी और 15 वर्षों तक इन्होंने सरकार के रूप में ऐतिहासिक जनादेश पाया था और जनता ने इन पर विश्वास जताया था, लेकिन जनता के विश्वास पे कहीं खड़े नहीं उतरे, सिर्फ काफिरों में घोषणाएं करते रहे, जमीनी स्तर पर कोई काम नहीं किया। इसका परिणाम यह हुआ कि 15 वर्षों से राज करने के बाद, और चुनाव का समय है, हर पार्टी का प्रभारी अपने प्रभार क्षेत्र पर आता है। ओम माथुर जी भी आए हुए हैं, वो बिल्कुल आए, उनका स्वागत करती है कांग्रेस पार्टी, अपने कार्यकर्ताओं से मिले, अपने कार्यकर्ताओं में ऊर्जा का संचार करें। लेकिन एक चीज को अवश्य रूप से ध्यान दें, क्योंकि पिछले कुछ दिनों से जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी का एक्ट रहा है बस्तर को लेकर के, फिर वो नारायणपुर की घटना को देख। छत्तीसगढ़ की खबरों में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए प्राइम टीवी। नमस्कार। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार।